My brothers and sisters. तो firstly हमारे यहाँ पे only अपने मतलब के वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा है, अपने मतलब के वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा है, हमने तो बस वतन की खैर मांगी है, कोई तख्त और ताज नहीं मांगा है। भारत के 73वें यानी 73rd गणतंत्र दिवस की यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत कर्मचारीगण और सभी एथलीट्स और मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जगतपुर परिवार की ओर से इस 73वें गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं और अनंत बधाई। आज के इस महत्वपूर्ण दिन में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी लाल किले पर तिरंगे को फहराते हैं। उद्देश्य ये है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा आजाद भारत गणतंत्र के रूप में सामने आया। Lies my happiness. Jai Hind. Jai Hind.
गुड मॉर्निंग, थैंक यू डॉक्टर हर्षदीप. सबसे पहला जो आज का हमारा प्रोग्राम है 73rd इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे, जो हम लोग को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला है. उसके बाद जो 1950 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसी दिन से आज तक 73rd साल हो चुका है इसका सालगिरह जो हम लोग मना रहे हैं. पर जो हम लोग अभी आसान से जो बना पा रहे हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स पुराना नेम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह वगैरह जितना जो फ्रीडम फाइटर वही लोग ने जो काम किया है जो गैस के लिए जो लड़ा था उसका हम लोग अभी आराम से उनके बदलों में हम लोग जी पा रहे हैं. तो उनको जो वही सैल्यूट दिया. और मैं ज़्यादा मैंने 10 साल फोर्स में काम किया है तो वहाँ से मैंने ऐसे सिविलियन मेरे को मौका मिला है वहाँ पे 10 साल नौकरी करने का. पर वहाँ पे मैंने एक चीज सीख के आया है जो डिसिप्लिन जो है पंचुअल. कोई भी एक जो प्रोग्राम करने के पहले आप लोगों को वहाँ पे 15 मिनट या 30 मिनट के पहले पूरा असेंबल करना पड़ता है वहाँ पे. कल प्रोग्राम है आज से पूरा रिहर्सल होता है वहाँ पर होस के अंदर में, समझ गया. कल प्रोग्राम है कोई भी एक प्रोग्राम हो आज से पूरा आएगा पूरा असेंबल करेगा रिहर्सल करेगा फिर वो एक जो बहुत अच्छा लगता है और वह लाइफ में वो काम आता है. चाहे आप मेरे को मतलब कई बार आपको देखा होगा कि जो पंचुअल जो है ना मान लो अगर मैं ग्राउंड में जाना है तो मैं सबसे पहला मैं जाने के लिए कोशिश करूंगा. और यहाँ पे भी जब मैं ऑफिस में आना है तो मैं अपना टाइम पे मेंटेन कर लूँ. मैं ये नहीं बोलूँगा 100% मैं फॉलो करता हूँ पर मैक्सिमम इफोर्ट करना है कि आपको पंचुअल के ऊपर में प्लस डिसिप्लिन ये दोनों साथ में लेकर जाएगा आपको लाइफ में काम आएगा. इतना ही बोलूंगा और थैंक यू ऑल द स्टाफ्स एंड ऑल द एथलीट्स ऑफ फाइनेंशियल डायरेक्टर फॉर प्रमोटिंग दिस फॉर दिस रिपब्लिक डे. थैंक यू सर. तो आप लोगों को भी ये मोटिवेशन लेना चाहिए कि इस नेशन के लिए हमको इंटरनेशनल लेवल के अंदर अच्छे मेडल लेना चाहिए. क्योंकि जब तक अपन यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं सारे अलग अलग स्टेट से क्योंकि अपन देश के लिए मेडल जीतना है, ओलंपिक्स में मेडल जीतना है. जब तक ये अपन प्रण नहीं लेंगे तो अपन मेडल नहीं जीत सके. जब मैं आर्मी ज्वाइन किया था उस टाइम में नॉर्मल एक कॉलेज में सिर्फ नॉर्मल प्लेयर हुआ करता था लेकिन मेरे को पता नहीं था वाटर स्पोर्ट्स भी एक खेल होता है और उसमें ऐसा कंपटीशन होता है. लेकिन जब मेरे को किसी ने आप लोग जब गेम में जाते हो आज भी बोल रही हूँ है ना अच्छे से खेलो इंडिया को प्राउड करो. थैंक यू साइंटिफिक स्टाफ से और मेरे प्यारे एथलीट आप सभी का उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं. थैंक यू धन्यवाद. हम भी एक प्लेयर है तो सच्चा राष्ट्र भक्त का तरह हम आज से अच्छा काम करें और हम भी अपना देश का जो संदा है लेके हम भी बाहर में लहराए वही हमारा एक वादा होना चाहिए आज से. तो जय हिंद जय भारत. सभी से आदेश है अभी तक
आनंद का।